अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। और आज वो दिन फाइनली आ गया है कि जो भी गेस्ट का मैं जिक्र कर रही थी पिछले व्लॉग में, जिसके लिए सारी तैयारियां चल रही थी, आज उन्होंने आना है। और आई विल ब्रेक द सस्पेंस राइट अवे। असल में मेरी अम्मी आ रही हैं पाकिस्तान से, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं अभी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रही हूँ, और सुबह से जो है ना बहुत एक टेंस वाला माहौल बना हुआ, क्योंकि मामा फर्स्ट टाइम फ्लाइट ले रही हैं। उनका ट्रांजिट था तुर्किश एयरपोर्ट पे। अभी भी थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी है हमारे पास कि तुर्की में हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। ऑल्दो उनके पास रोमिंग थी, लेकिन इंटरनेट शायद उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, और रोमिंग भी नहीं इतनी अच्छी वर्कआउट की। तो आई होप शी इज़ ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट नाउ। और बस अभी मैं और बिलाल निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। और मम्मी के लिए मैंने खाना छाना जो बना, रात को मैंने खीर बनाई, अभी मैंने कोरमा बनाया है, मैं आप उसकी भी एक लुक दिखाती हूँ। और आगे फिर मामा के साथ अच्छा सा डिनर करेंगे, डिनर लंच मिक्स काइंड ऑफ। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की माओं को ज़िंदगी सेहत दे, उन्हें दुनिया की सब खुशियाँ दिखाए। जितना हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, हम उनका कभी भी बदला नहीं उतार सकते। लेकिन मेरे लिए बहुत सेंटीमेंटल मोमेंट है, क्योंकि मैं जर्मनी में, मेरा ये 8वां साल है, और अब मेरी अम्मी मेरे पास आ रही हैं। और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अम्मी को अपना यहाँ वाला घर दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, उनकी नज़र से चीज़ें दोबारा देखूंगी, एंड आई विल एक्सप्लोर एवरीथिंग विद हर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अभी देर नहीं करते हैं, टाइम बहुत कम रह गया। अम्मी के लिए अच्छे से फूल खरीदते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद निकलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोरमा दिखाती हूँ। जी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी कोरमा हांडी टाइप बना हुआ है, और खीर फ्रिज में पड़ी हुई है, और उसके साथ मैं नान बनाऊंगी, वो आके आटा गूंदा हुआ है। ओके, तो बिलाल भी हमारे पास आ गए। बिलाल अब बताएं, आप एक्साइटेड हैं? आपकी सासू माँ आ रही हैं। जी आ रही। तो खैर अभी हम जल्दी से निकलते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, आज अगला दिन हो चुका है, मेरी अम्मी आ चुकी हैं जर्मनी, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली 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 आफ्टर 8 ईयर्स फाइनली मेरी अम्मी यहाँ पे आ गए हैं। मुझे अम्मी से पूछना है, अम्मी आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं।
बहुत अच्छा लग रहा है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफर करके आई हूँ, अभी थकी हुई हूँ, लेकिन ये है कि इनको देख के बहुत खुशी हुई है और अपनी बेटी से मिली हूँ 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपना टाइम फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस यही चल रहा हमारा। तो इसीलिए मैंने और ज़्यादा कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों को अपनी अम्मी से मिलवाना चाह रही थी। तो ये है मेरी प्यारी सी अम्मी, आई लव यू अम्मी जी। और इंशाल्लाह अब आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, जब अम्मी के साथ इंशाल्लाह कहीं घूमने जाएंगे या जो भी कुछ अम्मी को एक्सप्लोर कराएंगे उसका व्लॉग बनाएंगे और फिर आपसे वो शेयर करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरी अम्मी के लिए, ज़रूर एक दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी माओं को अपने हिफ्ज़ मान रखे, सेहत और ज़िंदगी दे। और इसी बात के साथ मैं व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।